दोस्तों सारे पिजन देखे बाहर जाल में मेरे इंतजार कर रहे। अब इनको देख खोलते हैं, और मुर्गियाँ भी बाहर फेरी हैं, इनको खुले ही रखते हैं। सब्ज़ा वगैरह इनका मैंने डाल दिया था, और रोटियाँ लेके आए हैं इनके लिए, वो भगो के डालेंगे इनको। अब देखते हैं अंदर की, सोचते हैं अंदर क्या है। अंदर भी ठीक ही है माशाल्लाह, वो बच्चा बैठा हुआ है, उसके भी दाने वगैरह निकले हैं। देखते हैं उसको पकड़ के क्या उसके दाने का फ़र्क पड़ा कि नहीं। ये देखे बग्गू माशाल्लाह, इसका नाम बग्गू है। ये देखे बैठा हुआ है बच्चा, इसको देखते हैं दोस्तों अब ठीक है कि नहीं ठीक। और एक जोड़ी मेरी ये लगाई है मैंने काली, मेरा ख्याल में जोड़ी लग गई होगी एक दिन में। कबूतर बहुत तेज है, कबूतरी भी गर्म थी, ये जोड़ी लग गई है दोस्तों। और ये मेरी है डव दोस्तों, इनका पता नहीं चल रहा है ये नर मादी का। वैसे इसके साथ मैंने एक छोड़ा तो हुआ है, कितने वो नर है वो देखते हैं उसके बाद में। ये एक लक्का पकड़ा था लियाकत ने, उसको इसके साथ लगा दिया है दोस्तों। और इसका भी जोड़ी लग गई है, इसको भी देखते हैं। ये कबूतरी का नर गया भाग के, मैंने कहा वापस आ जाएगा, पर वापस एक दिन आ गया था, अगले दिन फिर उड़ गया, फिर वापस नहीं आया। अब लक्की एक में माशाल्लाह अंडों पे लक्का कबूतर वो बैठा हुआ है। लक्की मेरे ख्याल में बाहर है जाल में, तो इधर भी अंडे दिए हैं, ये भी कबूतरी बैठा हुआ है, कबूतरी बाहर जाल में। इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी तिनके पड़े हैं मेरे ख्याल में, शायद बच्चे अंडे कोई बैठा हो। और इधर मुर्गियाँ आती हैं, मसला बनता है इसके दरवाज़ा बंद कर देते हैं तक अंडे खा लेती हैं मुर्गियाँ। तोते माशाल्लाह फ्रेश है, काफ़ी आगे से बेहतर है। इनके पेड़ तो लग गया पर बॉक्स में नहीं जाते, बॉक्स से डरते हैं दोस्तों, पता नहीं क्या मसला है इनको। इनको बाहर से देखते हैं बाहर ना, ये देखिए माशाल्लाह ये जोड़े अब पीछे पीछे एक दूसरे के। इधर से मैं कह रहा था देख रहे हैं तो ये ना इधर कोई कपड़ा वगैरह या कोई चीज़ लगाते हैं जिसकी वजह से इनको पड़ता रहे। ये देखिए ये जोड़ी भी लग गई है दोस्तों लगों की पीछे पीछे। ये मेरे लालू, चारों लालू फिर रहे हैं, उनका नाम लालू है। ये भी आगे बाहर दोस्तों, अब इस साइड वाले बाहर निकालते हैं, ये दरवाज़ा खोल के इसको बाहर निकालते हैं। जैसे भी कुछ जाल के ऊपर है, उनको दाना नीचे डाल कर निकालना पड़ेगा। आ जाओ बाहर आ जाओ सब। वो उस राह से जाती है मुर्गियाँ अंदर अंडे खाने। ये बग्गू देखे मेरे पीछे पीछे है, ये कबूतर भी सारे पीछे पीछे हैं। इनको पता है रोटियां डालता हूँ इस टाइम में इनको, इसीलिए मेरे पीछे पीछे हैं। इनको वो बर्तन में रोटियां वो के डालते हैं। ये देखो माशाल्लाह कबूतर बहुत प्यारा है। ये मैंने सेटिंग की है, ये बांस एक इधर लगाया है दोस्तों, इधर धूप है, मैं उस साइड पर जाकर दिखाता हूँ आपको, इधर धूप बहुत हो रही है। एक बांस मैंने ये लगा दिया था, और एक ऊपर लगा दिया, एक इस साइड पे लगा दिया। ठीक है दोस्तों ऐसा बनाया जाल मैंने। ये अभी खाली है, इधर मुर्गियाँ वगैरह बच्चे वगैरह रखेंगे इंशाल्लाह। वो देखे वो लकी ना जो पैर परफेक्ट लग गए। अच्छा ये गुग्गी की बात कर रहे हैं, इसकी दोस्तों समझ नहीं मुझे आ रही थी, तो ये ना अभी पैर कन्फर्म नहीं हुआ, तक इनको मैं दोनों को गुटकते नहीं देखा अभी तक। इनका दाना पानी चेक करते हैं, दाना पानी इनका ठीक है, रोटियों का बॉक्स कर लिया, उनको रोटियाँ डालते हैं, अब दाना लेके आते हैं उधर से। ये देखिए माशाल्लाह मुर्गी ने तो अंडे काफ़ी दिए हैं, पांच अंडे पड़े हैं, कल देखे थे दो थे आए, तीनों ने दे दिए माशाल्लाह। ये देखे पीछे पीछे अब पता चल गया, अब सारे बाहर आ गए हैं दोस्तों। अब इनको डालते हैं दाना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, चारों तरफ खिलाना पड़ता नहीं, मुर्गियों और कबूतरों का झगड़ा ही नहीं ख़त्म होता। देखिए माशाल्लाह
मेरे पास इतनी बर्ड्स हैं दोस्तों। फिर केज में देखे मुर्गी आ गई है केज में, ऐसे अंडे खा जाती हैं। ये उस रात से आई थी जो निकाला हुआ, उसको बाहर से बंद करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, इसकी समझ नहीं आ रही। बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, ये भी दाना खा ही ले। दोस्तों ये देखिए, ये इसके दाने निकले हुए हैं। इसका इलाज किसी को पता हो तो बताइएगा, इसको मच्छर ने काटा हुआ है इतना तो मुझे पता है। मैंने लहसुन वगैरह लगाया है तो फिर भी ना फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले मेरे 5-6 बच्चे डेड हो गए हैं इसकी मच्छरों की वजह से, काफ़ी बच्चे डेड हो रहे हैं दोस्तों। पता नहीं क्या है, मच्छर ज़्यादा आते हैं, फिर भी ये जाली भी सेफ है, हवा भी क्रॉस होती रहती है, फिर भी ना मच्छर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इधर बॉक्स में देखते हैं क्या सूरत हाल है। इधर भी सारे पेड़ ही लगाए थे, अब मैंने दूसरे बर्ड लेके आ रहा हूँ इसलिए सब नीचे आ गए हैं। देखे दोस्तों मस्ती में वो देखे दोस्तों, एक कबूतर बैठा हुआ है, पता नहीं किसका है, वाइट कलर में परों पे रंग लगा हुआ है उसके, वाइट कलर में बैठा हुआ है वो मेरा एक दोस्त है मेरे ख्याल में उसका, उसका फ़ोन आया था मुझे, देखते हैं अगर जाल में आता है। ये बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया, इसको पता ही नहीं है बाहर का, ये ऊपर ही चला जाता है जाल के। थोड़ा सा दाना और लेते हैं और फिर इसको डालते हैं। इधर दाना डालेंगे तो ये आ जाएंगे सब नीचे, इधर से फिर बाहर आ जाएगा दरवाजे से, वो आ गए नीचे। चलो ये देखते हैं, ये देखो माशाल्लाह इसका पेड़ लगा किसी और के साथ है, ये भागता किसी और के साथ पीछे पीछे, ये लक्की को दाने नहीं खाने दे रहा। उनको मैंने कलर कर दिया सबको, जो घर में आ जाते हैं ना वापस, उनको मैंने कलर कर दिया है। जो उसके साथ लगाया उसको ऊपर बैठा हुआ है, और कबूतर ये देखे मगर मगर हैं एक दूसरे के। इसके पार मैंने कट किए हुए हैं, ये अब उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। इसका पेड़ दोस्तों इसके साथ लगाया है, वो उन्होंने बच्चा दिया है, वो बच्चा बहुत कमज़ोर है, उसकी ना हड्डी वगैरह बाहर आई हुई है, पता नहीं क्या मसला है। तो फिर भी दाना तो खाता है, फिर भी मैंने उसको गोली दी है फ्लैजल की, जिसकी वजह से ना ठीक है, दाना तो शौक से खा रहा है, बाकी तो सारे ठीक है माशाल्लाह। ये वाले कबूतरी का नर भाग गया दोस्तों, इन्होंने बच्चे ऐसे निकाले थे दोनों, वो दोनों डेड हो गए मच्छर की वजह से। ये देखो कबूतर दोनों डेड हो गए। अब इसका पैर किसी और के साथ लगाते हुए अच्छा सा नार देख के ना, इधर फारग वाला वो एक फिर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ किधर के, वो हो रहा वो तो दाने खा रहे ना, वो वाला नारी है कल पर, उसके साथ मेरा रहता है इसका जो कबूतरी का नार भाग गया ना, वो लगाते हैं। ये बच्चे मेरे घर के पहले हैं, सबसे पहले बच्चे निकले, और ये वाला भी बच्चा ये पट्टा, और देखिए उधर भी दाने पे हमला कर दिया उन्होंने। अब इन्होंने पूरे घर की छत पे भागते रहना माशाल्लाह, बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए लगा उसको ना खुद खा रहा है ना उसको खाने दे रहे, बाद में भूखे रहेंगे। ताकि मैं इनको एक दफ़ा ही डालता हूँ, एक दफ़ा सुबह थोड़ा सा दाना डाल के चला जाता हूँ, फिर शाम को आगे डालता हूँ। ये देखें माशाल्लाह रोटियाँ मैंने इनकी भिगो दी हैं, तो वो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर फॉलो कर दिया करें, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।